नमस्कार, आप भारत लाइव भी देख रहे हैं। बिहार में राज्यपाल कोटे से एमएलसी का मनोनयन हो गया है और इसके बाद से एनडीए के भीतर ही जो भी घटक दल है उसके बीच किस तरह से खींचातान की स्थिति बनी हुई है, इस बात से आप भी जो है वाकिफ हैं। अब आपको बता दें कि इसी बीच जो वीआईपी पार्टी है, मुकेश सहनी जी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी, ने अपना विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि उनके जो है बिना पूछताछ के, जब वो एनडीए के घटक दल हैं तो उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए थी, उनके पार्टी के भी जो पदस्थ और शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनके साथ जा करके घोषणा होनी चाहिए थी। इस बात को लेकर के वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पार्टी को सम्मान नहीं दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार से बदला लेने के लिए वीआईपी ने एक नई चाल चल दी है जो नीतीश कुमार की नीतियों पर ही भारी पड़ने वाला है। आपको बताते हैं कि बिहार सरकार में माफ कीजिएगा, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनके जो पार्टी है जदयू, उन्होंने अपने पार्टी के भीतर सवर्ण प्रकोष्ठ का गठन किया था, जिसके बाद ये नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धि बताई जा रही थी। सेकुलर छवि के नेता नीतीश कुमार, जो पिछड़ों अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले बताए जाते थे, उनका सीधा निशाना था स्वर्ण समाज पर भी। इसके बाद से वीआईपी पार्टी, जो निषाद समाज की पार्टी बताई जाती है, जिनका मुख्य उद्देश्य निषाद समाज का आरक्षण है, ऐसा वीआईपी के जो कदावर नेता है वो सभी लोग कहते हैं, तो उन्होंने भी एक अपनी बड़ी रणनीति चल दी है। उन्होंने भी अपनी पार्टी में सवर्ण प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को झटका देने के लिए और उनके जो नीति का विरोध करने के लिए और ये कहें उनकी नीति पर ओवरकम करने के लिए विकासशील इंसान पार्टी ने एक बड़ी रणनीति चल दी है और अपने पार्टी के भीतर भी सवर्ण प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है। और इसके साथ ही वीआईपी ने और भी जो है प्रकोष्ठ का गठन किया है, सबके प्रमुख भी बनाए गए हैं। आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से हम बता देते हैं। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का गठन किया है वीआईपी, उसमें श्री पप्पू चौहान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, श्री चंदन सहनी जी जो है छात्र प्रकोष्ठ के, श्री आसिफ कमाल जी हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, श्री मनीष आनंद जी हैं सोशल मीडिया प्रकोष्ठ के, श्रीमती स्वर्णा सिंह हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, श्री मुसाफिर पासवान हैं एसटीएससी प्रकोष्ठ के, श्री मिश्रीलाल यादव जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ के, उसके बाद श्री विजेंद्र ओझा जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के, श्री रंजन सिन्हा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कला संस्कृति प्रकोष्ठ के, और साथ ही साथ श्री राजू सिंह हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सवर्ण प्रकोष्ठ के। तो कहीं ना कहीं वीआईपी ने नीतीश कुमार की नीति पर ओवरकम करने के लिए सवर्ण प्रकोष्ठ का गठन कर लिया है और वीआईपी के सवर्ण प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री राजू सिंह जी का जो है उन्हें नियुक्त कर दिया गया है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या कुछ बिहार की राजनीति में अपडेट होगी, भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुँचाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।